आज तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना के आदिलाबाद में विभिन्न विकास परियोजना का करेंगे उद्घाटन। शाम को चेन्नई में जनसभा, रात को हैदराबाद के राजभवन में करेंगे विश्राम। आज राजगढ़ पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बाटखेड़ी गांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के साथ करेंगे घाट पर पंचायत। पश्चिम बंगाल के दौरे पर चुनाव आयोग की पूरी टीम आज राजनीतिक दलों के साथ करेगी बैठक। राज्य में केंद्रीय बलों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी लेगी अपडेट। दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार चयन के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। उत्तर पूर्वी चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के लिए तय होंगे उम्मीदवार। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 21 मार्च को होगी वोटिंग। महागठबंधन का दावा, दोनों सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। सांसदों विधायकों को अभियोजन से छूट देने के मामले में सीजेआई के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ सुनाएगी फैसला। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना निर्णय रख लिया था सुरक्षित। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिश विधानसभा में पेश करेंगी दिल्ली का बजट। इससे पहले आर्थिक सर्वे में जीडीपी में पिछले साल 9.17% बढ़ोतरी का किया था दावा। यूपी के अंबेडकर नगर में आज चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रिहायशी इलाके के लोग कब्जे के संबंध में पेश नहीं कर पाए सबूत। पाकिस्तान के नए पीएम के रूप में शपथ लेंगे शहबाज शरीफ। सरकार बनाने के लिए पीएमएलएन और पीपीपी के बीच हुआ है गठबंधन। उत्तर भारत में आज भी कई स्थानों पर हो सकती है बूंदाबांदी। पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी का भी अनुमान। मौसम में बनी रहेगी ठंडक।